स्टॉक को एनालाइज करना है, पता नहीं किस स्टॉक में ज्यादा प्रॉफिट होगा, किस स्टॉक में लॉस हो जाएगा। भैया आप कैसे पता करें कि कौन सा स्टॉक आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है? अब भाई आप पूछोगे, भाई तुमको कैसे पता कौन सा स्टॉक प्रॉफिट देगा? भाई मैंने एनालाइज किया है और मैंने पैसे लगाए हैं, हवा में बातें नहीं कर रहा। ये सारे देखो मैंने खुद पोर्टफोलियो है मेरा, जिसमें मैंने खुद पैसे लगाए और प्रॉफिट कमाए। तो भाई जेनुइन है भाई, आप ही का बिजनेस पार्टनर हो तो चिल मारो उस चीज़ के लिए। अब देखो, अब जानना है ना कौन से स्टॉक में पैसे लगाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना पता है, स्टॉक के बारे में जान लेना सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि भाई जब बेस क्लियर रहेगा ना, बिल्डिंग अपने आप बन जाएगी। तो बेस बनाओ पहले, जितना टाइम अपने बेस पे दोगे उतना प्रॉफिट है। तो बेसिकली क्या होने वाला है, पहली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिकल, ठीक है? इकोनॉमिकल के बाद फंडामेंटल, फिर उसके बाद टेक्निकल। अब ये तीन चीज़ों, किसी भी स्टॉक हो, दुनिया का कोई भी स्टॉक उठा लो, ये तीन चीज़ें उसका देखना है। क्या क्या? पहली चीज़ है आपकी इकोनॉमिकल, दूसरी फंडामेंटल और तीसरी टेक्निकल। इस वीडियो में इकोनॉमिकल और फंडामेंटल के कुछ पार्ट क्लियर करेंगे, फंडामेंटल का कुछ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है? तो पहले जानते हैं इकोनॉमिकल के बारे में। इकोनॉमिकल में सिंपल सा जानो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स यानी न्यूज़ पे देखो। अभी देखो रिसेंटली में क्या हुआ था, अब चुनाव था, ठीक है? इलेक्शन में देखे थे, रिजल्ट आने वाला था भाई, 400 पार जाएगा, गेम 400 पार का था। 3 जून को देखो कितना ज़्यादा अपर सर्किट पे अपर सर्किट मार्केट मारा, लोग खरीदते गए। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था भाई हाँ मोदी सरकार तो वैसे भी आ ही रही, 400 पार रहने वाला है और भाई ज़्यादा प्रॉफिट मार्केट भागेगा। तो सब लोग ने खरीदना स्टार्ट कर दिया, मार्केट भागता गया। अब प्राइस कैसे भागी देखे, ये सब किस पे डिपेंड था? इकोनॉमिकल पे। ये पूरा इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है। 4 जून को देखिए क्या हुआ, 4 जून को सारे मार्केट जैसे था, जैसे 400 पार नहीं जा रहा था, 300 कुछ पे, 300 और 400 पे रुक जा रहा था। अब उससे क्या हुआ, उससे लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, जैसे बेचना लोअर सर्किट, और मार्केट गिर रहा था। तो वो क्या हुआ, न्यूज़ पे, इकोनॉमिक्स पे डिपेंड हुआ। इसके लिए आपको न्यूज़ देखना होगा भाई, न्यूज़ तो मैं नहीं बता सकता अभी क्या होने वाला है, तो वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ आ गई फंडामेंटल। फंडामेंटल में 2 चीज़ें होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का पहले जानते हैं, क्वालिटेटिव यानी कोई कंपनी, सपोज रिलायंस उठा लो। अब रिलायंस का हम लोग केस स्टडी देखते हैं। रिलायंस के पास सबसे ज़्यादा क्या है, इंडस्ट्रीज है, ऑयल में ज़्यादा है, जियो टेक्निकल जो उनकी जियो कम्युनिकेशन कंपनी है वो सबसे ज़्यादा, उनका क्या है भाई एसेट है उनके पास सबसे ज़्यादा, एसेट और लाइबिलिटीज, ये 2 चीज़ें हैं। एक कंपनी के पास जिसके पास एसेट ज़्यादा है, यानी उसके पास एसेट, यानी जो चीज़ उसको पैसे कमा के वापस दे रही है उसको एसेट कहते हैं। और लाइबिलिटी जो जिसकी वैल्यू समय के साथ घटते जा रही है, जैसे आप कार ले लिए उसकी वैल्यू समय के साथ घटती जाएगी, लेकिन आपने कोई स्टॉक ले लिया उसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती जाएगी। तो वो क्या हुआ आपका, एसेट और लाइबिलिटी। अब देखो सिंपल सा, क्या फंडामेंटल पे बात कर रहे हैं, फंडामेंटल में 2 पार्ट आते हैं, पहला होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है, आपको क्वालिटी देखनी होती है कंपनी की। मान लो आप रिलायंस का स्टॉक उठाए, रिलायंस के स्टॉक में क्या क्वालिटी है, क्या उनके पास एसेट है अच्छा खासा, भाई बिजनेस में पैसा लगाया, इंडस्ट्री एक दिन में नहीं गिरती है, तो उस कंपनी में आप पैसा लगा सकते हो। ऐसे बहुत से कंपनीज होती हैं जिनकी क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी क्या है, उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है। देखो जैसे अडानी का है, अडानी में क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, उनका फ्यूचर स्कोप क्या है, तब उनके उस पे बेसिस पे पैसा लगाया। जैसे उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करना स्टार्ट किया है, फ्यूचर में 2025-30 तक क्या होने वाला है, ग्रीन हाइड्रोजन पे काम ज़्यादा होना है। ग्रीन हाइड्रोजन आपको सबसे ज़्यादा पैसा लगा के देगी। ग्रीन हाइड्रोजन का स्टॉक देखो कैसे भाग रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये क्वालिटेटिव, वो कंपनी के बेसिस पे, कंपनी के फंडामेंटल के बेसिस पे। अब ये कहाँ से निकालोगे, स्क्रीनर वेबसाइट है उस पे जाओ, उस पे सारे डाटा हर कंपनीज का, जिस स्टॉक के बारे में जानना है उस स्टॉक के बारे में जाओ। अब आपको पता ही नहीं भैया कौन से स्टॉक में लगा है, नाम ही नहीं पता है स्टॉक का, स्टॉक के बारे में जानना है, स्टॉक का मैंने डिटेल, एक मेरा इंस्टाग्राम है हैंडल है उस पे, आपको ये इंस्टाग्राम का हैंडल है, इस पे मैं रिकमेंड करता हूँ रोज। भाई आपको लेना नहीं लेना ये आपका मतलब है, मैं बता रहा हूँ स्टॉक का नाम, ये कितना प्रॉफिट दे सकता है, इसका टारगेट क्या है, ये सब मैं बता सकता हूँ आपको इंस्टाग्राम पे, आप मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है? अब देखो क्वालिटेटिव तो हो गया, क्वांटिटेटिव पे आते हैं। क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी पे बात हो रही है, क्वांटिटी यानी उसमें 5 रेशियोज होते हैं, जो अब मुद्दे की बात आ रही है, 5 रेशियोज। पहला रेशियो पीई रेशियो, समझो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, प्राइस और अर्निंग। प्राइस यानी देखो, अब मान लो तुमने 500 रुपए लगाए, अब 500 से तुमने 510 रुपए बनाए, यानी तुमने 500 लगा के 10 रुपए का प्रॉफिट किया, ठीक है? अब किसी आदमी ने 200 लगा के 10 रुपए का प्रॉफिट किया,
तो उसका पीई रेशियो और आपका पीई रेशियो में डिफरेंस समझो। मतलब आपने 500 अपने जेब से निकाल के किसी को दिया, उसमें से सिर्फ आपने 10 रुपये कमाया। किसी ने 200 निकाल के दिया, उसमें से 10 रुपये कमाया। तो सोचो दोनों का पर्सपेक्टिव सोचो, 500 से 10 रुपये और 200 से 10 रुपये, ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन हुआ? 200 से 10 रुपये निकालने वाला। इसीलिए जो आपके स्टॉक में कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा बनाना, ये कला होती है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में ये नहीं कि भैया किसी में पैसा प्रॉफिट कमाओ ना, स्टॉक मार्केट में गेम ये होता है कि कम पैसा लगा के ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ, गेम ये होता है। तो गेम कैसे रखोगे? पी रेशियो, पी यानी प्राइस टू अर्निंग, प्राइस यानी किस प्राइस पे आप खरीद रहे हो और वो स्टॉक का क्या प्राइस चल रहा है, और अर्निंग वो कितना अर्न कर रहा है एक स्टॉक, और अर्निंग मतलब एक स्टॉक की जो प्राइस है उस पर्टिकुलर एक स्टॉक पे आप कितना अर्न कर रहे हो, वो होता है पीई रेशियो। अब पीई रेशियो जैसे सेक्टर पे डिपेंड करता है, कुछ सेक्टर का एवरेज पीई रेशियो निकाला जाता है। जैसे आप कोई स्टॉक देखोगे, स्क्रीनर पे जाओगे तो थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे तो उसका एक एवरेज पीई रेशियो बताता है, उस सेक्टर का एवरेज पीई रेशियो से वो कम होना चाहिए हमेशा। मान लो किसी का 35 है, 35 उसका एवरेज है, तो 35 से कम होना चाहिए, 20 23 25 चल जाएगा, ऐसे स्टॉक उठा लो। यानी जिसका पी रेशियो मान लो 5 है, किसी का 6, उठा लो आग बर्न करके, घर बेच के सब उठा लो। क्यों? क्योंकि कम है भैया, पी रेशियो जब कम है, मतलब देखो क्या होता है, पी रेशियो इज इक्वल टू प्राइस अपॉन अर्निंग। जब हमारा जो पी रेशियो कम होगा तो अर्निंग ज़्यादा होगी, मतलब आप कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा बना रहे हो, कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा बना रहे हो, तो ये पी रेशियो होता है। ऐसे ही प्राइस टू बुक रेशियो होता है, जो अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिए, दिस इज आर एंड योर बिजनेस पार्टनर क्लोजिंग।